देवभूमि उत्तराखंड में ये मेरी पहली चुनावी सभा है। अब मैं तय नहीं कर पा रहा हूं कि प्रचार सभा है कि विजय सभा है। ये जो सज्जन बहुत बढ़िया चित्र बना के लाए हैं, मेरी माता जी का भी चित्र लाए हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूं। लेकिन आप ये ऊंचा करते तो पीछे वाले देख नहीं पाते हैं, क्या आप इसको नीचे रख देंगे? इसको नीचे रख देंगे आप? आपने मेरी बात मान ली, इसलिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं सबसे पहले जो पीछे धूप में तप रहे हैं उन सब की क्षमा मांगता हूं। हम लोगों ने जो सोचा था वो पंडाल छोटा पड़ गया, मैदान छोटा पड़ गया, और इसलिए जितने अंदर बैठे उससे ज्यादा लोग बाहर धूप में तप रहे हैं। जो धूप में तप रहे हैं, हमारी व्यवस्था की कमी रही, इसके लिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जो धूप में तप रहे हैं ये आपकी तपस्या मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं इसे विकास कर करके लौटाऊंगा। आपके इस प्यार के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। जो लोग देव भूमि का यह आशीर्वाद, ये मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। देव भूमि के हर गांव से मुझे आपका जो प्यार मिल रहा है, आपके आशीर्वाद मिल रहे हैं, मैं इसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। भाइयों बहनों, और ये चुनावी सभा भी ऐसे क्षेत्र में हो रही है जिसे मिनी इंडिया कहा जाता है, और एक प्रकार से ये देवभूमि के भी आशीर्वाद है और मिनी इंडिया के भी आशीर्वाद है। मैं जब भी उत्तराखंड की पवित्र धरती पर आता हूं, खुद को बहुत धन्य महसूस करता हूं, और इसीलिए ही मेरे दिल की गहराई से एक बात निकली थी और मैंने एक बार यहां कहा भी था, देव भूमि के ध्यान से ही, देव भूमि के ध्यान से ही
मैं सदा धन्य हो जाता हूं। हाय भाग्य मेरा, हाय भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूं। साथियों, देवभूमि उत्तराखंड के प्रति भाजपा का जो प्रेम है, जो अपनत्व है, वो जग जाहिर है। हमें उत्तराखंड को विकसित बनाना है, सबसे आगे लेकर जाना है, और इसके लिए केंद्र की भाजपा सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। बीते 10 वर्षों में जितना विकास उत्तराखंड का हुआ है, उतना आजादी के बाद के 60-65 साल में भी नहीं हुआ है। आज उत्तराखंड हर प्रकार की आधुनिक कनेक्टिविटी से जुड़ रहा है। गरीबों को 85,000 पक्के घर बनाकर दिए हैं। उत्तराखंड में भाजपा ने 12 लाख घरों तक पानी का कनेक्शन पहुंचाया है। यहां भाजपा सरकार ने 5.5 लाख से ज्यादा शौचालयों का निर्माण कराया है। यहां की 5 लाख से ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला गैस, मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया है। यहां करीब 3 लाख लोगों को स्वामित्व योजना के तहत उनकी प्रॉपर्टी के कार्ड दिए गए हैं। उत्तराखंड के 35 लाख लोगों के पास पहले बैंक में खाते तक नहीं थे, भाजपा सरकार ने 35 लाख लोगों के बैंक खाते खुलवाए हैं, उन्हों बैंकों से जोड़ा। भाजपा सरकार ने उत्तराखंड के छोटे किसानों के बैंक खातों में 2,200 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे भेजे हैं। भाइयों बहनों, ये सूची बहुत लंबी है, लेकिन मैं इसमें आपका ज्यादा समय नहीं लेता, लेकिन इतने सारे काम कैसे होते हैं? जब नीयत सही होती है, जब नीयत सही होती है, तो ऐसे ही काम होते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, नीयत सही तो नतीजे भी सही। साथियों, आप जानते हैं कि मोदी ने भारत को दुनिया की 3री बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की गारंटी दी है। 3री बड़ी